चमोली के थराली का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संसाधनों के अभाव के बीच संचालित हो रहा है। यहां 10 डॉक्टरों की तैनाती होने के बावजूद भी लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। वहीं मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, अस्पताल में लगे एक्सरे मशीन पिछले लंबे समय से खराब चल रही है, जिसे अब तक भी बदला नहीं गया है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली के चिकित्सकों का कहना है कि शासन स्तर पर एक्सरे मशीन की खरीद की बात चल रही है और जल्द ही एक्सरे की सुविधा भी अस्पताल में उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखना होगा कि बिना संसाधनों के चलते रहे इस अस्पताल में कब तक स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हो पाती हैं। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। लेकिन आज डॉक्टर होने के बावजूद भी मूलभूत जो उपकरण हैं, जो संसाधन हैं, उनकी एक बहुत बड़ी कमी है, जिसके लिए पहाड़ के लोगों को यहाँ पर से 150 और 50 किलोमीटर के दायरे में अन्यत्र जाना पड़ता है। आप छोटी से हम बात करें एक्सरे की, तो एक्सरे भी पिछले डेढ़ से दो साल से यहाँ पर एक्सरे जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्थाएँ नहीं है। पता चला है कि 15 डॉक्टरों की एक पैनल है, एक टीम है, लेकिन यहाँ पर की जो स्थिति है वर्तमान में, यहाँ पर एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, और बहुत सुदूर इलाके का ये पिंडर वैली का अकेला सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। लेकिन कुछ महीने से एक्सरे मशीन ख़राब चल रही है। टेक्नीशियन भी आए हुए हैं, हमने उच्च अधिकारियों को संज्ञान में दे दिया है, जल्द ही एक्सरे मशीन आ जाएगी यहाँ पर।